हेलो व्यूअर्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लॉग्स बाय सुखिचा। मथुरा वृंदावन की यात्रा करते समय होटल या धर्मशाला को लेकर हमारे मन में काफी क्वेश्चंस और डाउट्स रहते हैं। आज हम आपको वृंदावन में एक ऐसी धर्मशाला का रिव्यू देने वाले हैं जो किसी 3-स्टार होटल से कम नहीं है। आपको यहाँ काफी साफ सफाई और सारी ही बेसिक अमेनिटीज मिल जाएंगी। यहाँ हमने जिस धर्मशाला में स्टे किया था उसका नाम है तेजराम धर्मपाल चैरिटेबल ट्रस्ट। ये धर्मशाला अपने कुछ सोशल सर्विस और लंगर वैन के लिए भी जाना जाता है। ये प्रेम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मणी विहार में है। इस होटल में रूम्स की बुकिंग कम से कम 15 से 20 दिन पहले करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे रूम्स जल्दी ही ऑक्यूपाई हो जाते हैं और रूम का रेंट कम से कम 1800 रुपीज पड़े हैं। रूम में एक काफी बड़ा सोफा भी है जिसमें एक एक्स्ट्रा एडल्ट या फिर छोटा बच्चा भी आराम से सो सकता है। यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की सुविधा भी मिल जाएगी। आपको यहाँ का स्टे काफी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। चलिए आपको यहाँ का टूर करवाते हैं। यहाँ पर आपको सात्विक खाना ही मिलता है जिसका कूपन आपको रिसेप्शन से मिल जाएगा। यहाँ के रेस्टोरेंट के खाने की बात करें तो वो काफी हाइजीनिक और डिलीशियस है। प्रेम मंदिर से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर पर यह होटल रुक्मणी विहार में स्थित है। यहाँ के कमरे काफी बड़े और साफ और हाइजीनिक हैं। धर्मशाला होते हुए भी आपको यहाँ एक 3-स्टार होटल की तरह सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आपको यहाँ पार्किंग स्पेस बिल्डिंग के सामने ही रोड साइड में मिल जाएगा जहाँ पर सिक्योरिटी हमेशा रहती है। यह कोई नॉर्मल धर्मशाला नहीं है बल्कि 3-स्टार होटल सुविधाओं वाला धर्मशाला है। वृंदावन में तेजराम धर्मपाल ट्रस्ट धर्मशाला की रिव्यू में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। होप आपको हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा ये वीडियो एंजॉय किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए आगे भी ऐसी काफ़ी एक्सप्लोरिंग वीडियोस लाते रहेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।